नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जागो पंच लगातार आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आ रहा है जो पुराणों, ग्रंथों, वेदों पर आधारित है, और यह लाने का उद्देश्य एकमात्र समाज से अंधविश्वास और पाखंड को हटाना, खत्म करना है और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना है। जब तक हम मानवीय मूल्यों को समझ नहीं पाएंगे, मानव के उद्विकास में बाधा होगी। हम धरती पर सबसे विवेकशील प्राणी होने के बावजूद भी एक पशुवत जीवन जीने को मजबूर हैं। यानी जैसे एक पशु को सिखा दिया जाता है कि उसके गले से रस्सी खोल दी तो वो जाके अपने चरने के स्थान पर पहुंच जाता है, और समय हो जाता है तो वहां से हांक देने के बाद वह आके अपने खूंटे पे खड़ा हो जाता है। क्या ऐसा जीवन ही हमें पसंद है? इन्हीं सब चीजों को समझने के बाद आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आए हैं जिससे, और ये वीडियो वहां ऐसा है कि कुछ लेखक ऐसे हैं जिन्होंने लिखा तो है, लिखा तो अंधविश्वास और पाखंड के लिए है, लेकिन वह हमारे लिए अंधविश्वास और पाखंड को भगाने का काम करेगी। तो यह पुस्तक है शिवलिंग और पार्वती भग पूजा। क्या? शिवलिंग और पार्वती भग पूजा। अब यह मैं दिखा दूंगा, लेकिन कैमरा फ्रंट होने की वजह से सब उल्टा दिखाई देगा। उसी तरह जैसे मैं कोई बात कहता हूं तो पाखंडी और अंधविश्वासी जो लोग हैं उन्हें मेरी बात उल्टा नजर आती है, तो वैसे ही इस ये कैमरा भी है, ये उसमें उल्टा नजर आता है। तो साथियों, पुस्तक का नाम है शिवलिंग और पार्वती भग पूजा। इसके लेखक कौन हैं? सत्यान्वेषी नारायण मुनि, और प्रकाशन है अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद। गाजियाबाद अमर प्रकाशन, यह बड़ा ही धार्मिक पुस्तकों को छापने वाला ये प्रकाशन है। तो यहां पर आपको हम बता दें कि यह जो शिवलिंग और पार्वती के जो भग की पूजा होती है, उनके लिंग की पूजा होती है, इसके उत्पत्ति का इन्होंने क्या आधार बनाया है, वह आधार इन्होंने भी पुराणों से ही लिया है, क्योंकि स्वयं इनके पास किसी के पास कुछ है नहीं, आधार वहीं से लेते हैं। लेकिन समझ हमें आता है कि आखिर ये पूजा क्यों की गई, ये किस लिए की गई। तो आइए इन नारायण मुनि के इस खोज को हम आप तक पहुंचाएं और आप इससे लाभान्वित और आनंदित हों। उद्देश्य यही है कि जब आप इसका मतलब समझ जाएंगे, इसका उद्देश्य समझ जाएंगे, तो अपने आप आनंदित हो जाएंगे, आप अंधविश्वास पाखंड से दूर हो जाएंगे। आइए चलते हैं, शिवलिंग और पार्वती भग की उत्पत्ति कैसे हुई ये पुस्तक बता रही है। पुराणों में इसकी उत्पत्ति की कथाएं विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में लिखी मिलती हैं। देखिए, हम यहां कुछ उदाहरण उन पुराणों से पेश करते हैं। यथा दारू नाम का एक वन था, वहां के निवासियों की स्त्रियां उस वन में लकड़ियां लेने गईं। महादेव शंकर जी नंगे कामियों की भांति वहां स्त्रियों के पास पहुंचे। अब ये एक नारायण मुनि लिख रहे हैं, यानी ये बातें जो है वह एक हिंदू सनातनी लिख रहा है, और पढ़ने वाला भी एक शुद्ध सनातनी है। सनातनी दो होते हैं, एक सनातनी है बनावटी, ढोंगी, पाखंडी, अंधविश्वासी, और एक सनातनी है जो ये बताते हैं कि अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, तो मैं वो वाला सनातनी हूं। तो आप सभी यहां देखें, यह देखकर कुछ स्त्रियां व्याकुल हो अपने अपने आश्रमों में वापस लौट आईं, परंतु कुछ स्त्रियां उन्हें आलिंगन करने लगीं।
उसी समय वहां ऋषि लोग आ गए, महादेव जी को इस नंगी स्थिति में देखकर कहने लगे, हे वेद मार्ग को लुप्त करने वाले, तुम इस वेद विरुद्ध काम को क्यों करते हो? यह सुन शिव जी ने कुछ न कहा, तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हारा लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब देखिए इसी का रेफरेंस दूसरी बुक में भी है जो डॉक्टर श्री राम आर्य ने लिखी है। अब इतना भी पढ़ने के बाद हमारे कपाट ना खुले तो शायद है हम मानव नहीं हैं। ढूंढें हम इन चौपायों में कि इन चौपायों में कौन से वाले हैं। तो अगर आप जागरूक और अंधविश्वास को भगाना चाहते हैं तो ये इन पुस्तकों से शिक्षा ग्रहण करिए कि आखिर वास्तव में है क्या। तो यहां पे क्या कहा, गिर पड़े कटके, तो उनके ऐसा कहते ही शिवलिंग कटकर भूमि पर गिर पड़ा और आगे खड़ा हो अग्नि के समान जलने लगा। वह पृथ्वी पर जहां कहीं भी जाता जलता ही जाता था, जिसके कारण संपूर्ण आकाश पताल स्वर्गलोक त्राहिमाम मच गया। यह देख ऋषियों को बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति से निपटने के लिए ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें नमस्ते कर सब वृतांत कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग शिव के पास जाइए। शिव ने इन ऋषियों को अपनी शरण में आता हुआ देखकर बोले, हे ऋषि लोग, आप लोग पार्वती जी की शरण में जाइए। इस ज्योतिर्लिंग को पार्वती के सिवा अन्य कोई धारण नहीं कर सकता। ये सेम स्टोरी उस पुस्तक में भी है और ये मुनि भी कह रहे हैं कि वह लिंग है, लेकिन हमारा समाज उसे प्रतीक मानने पे लगा है, और क्योंकि जबरन लिंग को प्रतीक बना दे रहा है, और ये किताबें ये पुराण चीख चीख कर रहे हैं कि वो लिंग है, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा ये लिंग से ऐसा लिपट गए हैं कि ऐसे हो जैसे नारियां लिपट रही हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये पुरुष लिपटे जा रहे हैं लिंग में ये समझ में नहीं आ रहा। तो साथियों आगे चलते हैं। यह सुन ऋषियों ने पार्वती की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। तब पार्वती ने उन ऋषियों की आराधना से प्रसन्न होकर उस ज्योतिर्लिंग को अपनी योनि में धारण कर लिया। तभी से ज्योतिर्लिंग पूजा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई तथा उसी समय से शिवलिंग व पार्वती भक्ति प्रतिमा या मूर्ति का प्रचलन इस संसार में पूजा के रूप में प्रचलित हुआ। यहीं पर ये ठाकुर प्रेस शिव पुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 पृष्ठ 511 से 513 का समापन होता है। यहाँ पर आपको सुस्पष्ट हुआ कि कैसे लिंग की पूजा शुरुआत हुई। यह नारायण मुनि लिखते हैं और आप इस लिंग को जबरन प्रतीक घोषित करने में लगे हुए हैं। आप पुरुष होते हुए भी लिंग से लिपट रहे हैं तो आपकी मनोदशा शायद किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाने लायक है कि हमारे पुराणों में लिखा है कि वह लिंग है और आप उस लिंग को प्रतीक और प्रतिमान में जबरन स्थापित करके उससे चिपटे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो भाजपा ने धारा हटाई थी उसी धारा में आप लिप्त होना चाहते हैं। वह नारियों की तरह आपके मन में भी लिंग के प्रति आकर्षण है। तो आइए चलते हैं पुस्तक के आगे के अंशों पर, क्योंकि ये एक प्रमाण नहीं है, एक पुस्तक का प्रमाण नहीं है, ये सत्यान्वेषी नारायण मुनि हैं। और नारायण मुनि आगे क्या लिखते हैं, शिवजी दारुवन में नग्न ही घूम रहे थे। वहां के ऋषियों ने अपनी अपनी कुटियाओं को पत्नी विहीन देखकर शिव से कहा, आपने इन हमारी पत्नियों का अपहरण क्यों किया? इस पर शिवजी मौन धारण कर रहे, तब ऋषियों ने उनके लिंग को खंडित होने का श्राप दे डाला, जिससे उनका लिंग कटकर भूमि पे आ पड़ा। अत्यंत तेजी से सातों पाताल और अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा। क्षण भर में देखते ही सारे आकाश और पाताल लिंगमय हो गया। यानी और ये कहां लिखा है, साधना प्रेस स्कंद पुराण पृष्ठ 15। अब प्रतिमान या प्रतीक जो दौड़े आते हैं कमेंट करते हैं कि आपको नहीं मालूम, वो मुझे ना सिखाएं मुझे ना बताएं, जाके
क्या साधना प्रेस स्कंद पुराण पृष्ठ 15 पढ़िए और ठाकुर प्रेस का शिव पुराण चतुर्थ कोठी रुद्र संहिता जाके पढ़िए। जब आप वहां पे पढ़ेंगे तो यहां पे कमेंट जो है सही करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। यह तो हो गए दो उदाहरण आपको मिले, तीसरा उदाहरण भी पढ़ लीजिए। शिवजी एकदम नंग धड़ंग रूप में ही भिक्षा मांगने के लिए ऋषियों के आश्रम में चले गए। वहां उनके इस देवेश्वर रूप को देखकर ऋषि पत्नियां उन पर मोहित हो गई और उनकी जंघाओं से लिपट गई। भाई गजब की ऋषि की पत्नियां ये होती थी कि यह किसी को भी देखा हैरे गहरे नत्थु खैरू को जाके चिपट गई। क्या बात है, इस तरह तो पुरुष समाज में सुरक्षित रही नहीं जाएगा। कोई मानसिक दिवालिया नंगा होकर घूम रहा और जाके चिपट गई, ये क्या? ये या तो ये पुराण और ग्रंथ ये केवल एक रसिक आनंद लेने के लिए बनाए गए हैं या मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं? ये इनका कोई ईश्वर से वास्ता नहीं हो सकता। इस तरह ईश्वर की कृतियां दिमाग में कहीं घर नहीं बनाती। लेकिन हमारे समाज को जो कहानियां पता हैं वो फिल्टर होके आई हैं। फिल्टर होके कैसे? ये लिंग कैसे बना, ये लिंग कैसे उत्पत्ति हुई, इसके बारे में हमारे लोगों को नहीं पता है। और वह अंधा अनुकरण की दौड़ में कि कांवड़ यात्रा ले चलनी है तो ले चलनी है, किस लिए ले जानी है ये किसी को नहीं पता, कोई मतलब नहीं इसका। तो साथियों ये सब चीजें जो हैं अंधविश्वास और पाखंड से भरी हैं, ढोंग से भरी हैं। इसके बारे में जब सच्चाई उजागर होती है तो कुछ लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और वो जो दुखी और परेशान होते हैं यदि वो वास्तविक रूप से शिक्षा से अपना नाता जोड़ें और पुराणों और ग्रंथों को पढ़ना शुरू करें तो शायद है यहां पे 200 वाट का बल्ब जलेगा और अंधकार खत्म हो जाएगा अंदर का। तो आइए आगे चलते हैं, क्या लिख रहे हैं। यह दृश्य देख ऋषियों ने शिवजी के लिंग पर काष्ठ और पत्थरों से प्रहार किया। वहां पे श्राप दिया कट के गिर जाए, दो जगह श्राप दे दिया कट के गिर जाए, और यहां पर शिवलिंग पे मतलब शिवलिंग पर काष्ठ यानी लकड़ियों से और पत्थरों से प्रहार किया। लिंग के पतित हो जाने पर शिवजी कैलाश पर्वत पर चले गए। यानी जब बेचारा फूट फाट गया उनका लिंग, टूट मतलब पत्थरों से कुचल दिया गया तो पतित हो गया, टूट टाट गया, तो वो बेचारे कैलाश पर्वत पे वापस चले गए। अब यहाँ पे कहाँ दिया है ये, वामन पुराण खंड 1 श्लोक 58 और 70-72 पृष्ठ 412-413 तक। तो आपको यहाँ सुस्पष्ट होता है कि एक ही लिंग की पूजा के विधान की कहानियां सैकड़ों, यानी कई कहानियां, जिसका दिल करा उठाया पेन पुराण लिख डाला और उन पुराणों में स्टोरियां भिन्न भिन्न लिख डाली। ये मेरे अनुसार से पूजा जाएगा, ये लिंग मेरे अनुसार से पूजा जाएगा, मैंने इसकी कहानी बनाई। होड़ सी लगी है कि लिंग की पूजा किस प्रकार से करवाई जाए, कैसे लोगों के दिमाग में अंधविश्वास घुसेड़ा जाए, इसके लिए बहुत बड़ी होड़ लगी है। तो साथियों आगे 4-5 पॉइंट और हैं। सूत जी ने बताया कि दारू नाम के वन में मुनि लोग तपस्या कर रहे थे। शिव जी नग्न हो वहां पहुंचे और कामदेव को पैदा करने वाले मुस्कान गान कर नारियों ने काम वासना की वृद्धि कर दी। अब यहां पर देखिए स्थिति बदल गई है, पुस्तक बदल गई है, लेखक बदल गया है, लेकिन भाव नहीं बदले कि कैसे आपके दिमाग में लिंग को स्थापित किया जाए। लिंग मंदिरों में स्थापित नहीं है, लिंग आपके दिमाग में स्थापित है और वह पाताल लोक स्वर्ग लोक मतलब चारे भुवनों में समा गया है। मतलब लिंग आपके खोपड़े में चारों तरफ ऐसा घूम गया है कि इसके अलावा सोचने के लिए जगह ही नहीं बची। तो आप अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ गए। तो आगे चलिए, यहां तक कि वृद्ध महिलाएं भी भूमि विलास करने लगी। अपने पत्नियों को ऐसा करते देख मुनियों ने शिव को कठोर वचन कहे। यह है डायमंड प्रेस लिंग पुराण पृष्ठ 43। तो इस तरह के प्रमाणों से
अनेकों पुस्तकें भरी पड़ी हैं, और ये जो अनेकों पुस्तकें भरी पड़ी हैं इससे हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो सकता है। कारण है कि हम इन पुस्तकों को अपने समाज में उपलब्ध कराएं और अपने समाज में यह बताएं कि यह वास्तव में पुस्तकें हमें ज्ञान देने का काम करती हैं। हमें अगर इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हम अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो सकते हैं। तो साथियों, आज आप सभी एक बहुत अच्छे और संभ्रांत श्रोता हैं। आपने इस कहानी को पूरा सुना और आपको हमारी ये पौराणिक कथा और सत्यनारायण मुनि की यह खोज, अद्भुत खोज कैसे लगी? इन मुनि जी को सावार धन्यवाद कि इन्होंने हमें यह पुस्तक उपलब्ध कराई और हमें अंधविश्वास और पाखंड पर प्रहार करने के लिए एक अस्त्र मिला। तो साथियों, आज का ये हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और साथ में शेयर इतना करिए कि अंधविश्वास और पाखंड गलियां ढूंढने लगे कि किधर से निकल के हम पाकिस्तान जाएं। और सभी जो हमारे नए साथी हैं वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ऐसा वीडियो फिर से मिल जाए कि अंधविश्वास पाखंड रास्ता ढूंढने लगे कि निकले कहां से। तो साथियों, आप सभी के स्नेह और प्यार का आकांक्षी जागो पंच आपसे विदा चाहता है। नमस्कार।